आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी भावना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2 और आज मैं आपसे मिली हूँ 2 बजे, क्योंकि आज है मंडे, मनकाडी, मेरी मर्जी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। काम तो खैर सारा कर लिया, सफाई भी हो गई, नाश्ता भी हो गया। नाश्ता आज घर में ही बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड उठे नहीं थे, तो मैंने बेटी के साथ ही खा लिया एज यूजुअल चाय पराठा। आरफ स्कूल से आ गया है तो आते ही वो नहाने भाग गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज आरफ को लेने मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया। मैंने फटाफट इनके आने से पहले सफाई भी निपटा ली और अभी बनाने नहीं लगी मैं कड़ी चावल, लेकिन मैं खाने लगी हूँ क्योंकि कल ही प्रसाद का लेकर आए थे कड़ी चावल और बहुत टेस्टी बने हैं प्रसाद में, लंगर में। और लंगर हमेशा ही टेस्टी होता है, चाहे गुरुद्वारे में खाओ चाहे मंदिर में खाओ, जो प्रसाद बनता है ना। और इवन कि मैं भी जो पूड़ी छोले हलवा बनाती हूँ माता रानी का प्रसाद का, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। और जो उस दिन टेस्ट होता है ना प्रसाद का, वो आगे पीछे नहीं बनता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बस अभी कड़ी चावल गरम करते हैं, आरव भी वही खाएगा, मैं भी वही खाऊंगी। नाश्ता हो चुका है तो अब लंच का टाइम है, तो भूख लग रही है, तो बस कड़ी चावल गरम करते हैं और अब सारा दिन बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए चावल भी गरम कर लिए, कड़ी भी गरम कर ली, तो आज लंच में है कड़ी चावल। और आज ना आंटी छुट्टी कर गई, तो ये बर्तनों का जो ढेर है ना छुट्टी वाले दिन, अब ये सारा मुझे करना पड़ेगा, आंटी ने मुझे बताया ही नहीं था। तो पहले खाना खाते हैं फिर रसोई साफ करके सारी समेटते हैं। गाइस कड़ी चावल तो खा लिए और कड़ी चावल एक्चुअल में बहुत टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैंने पूरी रसोई समेट दी, सारा बर्तन वर्तन सब कर दिए, टाइम बहुत लग गया, बहुत सारा ढेर था। ये देखिए पूरा चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया, यहाँ सारे बर्तन धो दिए अच्छे से, सिंक विंक साफ़ कर दी। और आपको मेरी ग्रीन टी दिख रही है, बस अब ग्रीन टी पीने का टाइम आ गया। सुबह से आज एक बार नहीं पी, 3:30 बज गए, बताओ कभी कभार तो ऐसा होता है टाइम ही नहीं मिलता। और ये देखिए सारे सो गए अंदर आराम से, ब्रूनो ये सो रहा, आपको दिख रहा होगा, ये देखो यारव सो रहे हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो सब सोए पड़े हैं आराम से। हस्बैंड जब से वैष्णो देवी से आए हैं, उन्होंने एक छुट्टी नहीं की थी और आज जाके उनको छुट्टी मिली है मंडे की, तो आज रेस्ट हो रहा है। और आज तो मैं कोई काम बोलूँगी भी नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, उनको सोने को नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो बस ये सब सो रहे हैं तो मैं भी झपकी मार लेती हूँ और अब मैं आपसे मिलूँगी आराम से शाम को नहा धोकर। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं बैंगन के भरते की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने बैंगन भून लिए थे तो बैंगन सही निकले हैं, तो अब इसका मसाला रेडी कर देती हूँ, तो अभी हम रात को ही बनाएंगे। और इधर मैंने अपने थोड़ी सी अदरक निकाली क्योंकि बहुत लेज़ी फील हो रहा है, तो अदरक वाली चाय तो बनती है। तो चलिए एक तरफ हम बैंगन के भरते का मसाला रेडी करते हैं और फिर बनाते हैं अदरक वाली चाय। गाइस ये देखिए प्याज टमाटर का मसाला यहाँ रेडी हो रहा है और मैं भरते में बिल्कुल भी हल्दी नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालूँगी। और यहाँ पर जो बैंगन भुने हैं इनके छिलके ऐसे उतार के इसको मैशर से अच्छी तरह मैश कर लूँगी और मसाले में डाल दूँगी, तो एटलीस्ट ये काम ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हैं बाज़ार ज़रा किसी काम से, और वो क्या काम करने गए हैं वो मैं उनके आने के बाद आपको बताऊँगी। तो चलिए अब वो घर पे नहीं है तो उनके एब्सेंस में हम खाने की तैयारी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। गाइस ये देखिए गाइस फाइनली भरता ऑफ बैंगन इज रेडी, और एक्चुअल में टेस्टी बना होगा क्योंकि हमारा भरता बहुत फेमस है। तो ये हो गया है रेडी, और अब मैं पता क्या करने लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये थोड़े से चिकन के पीसेस बच गए थे, थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने ना इस बार पोटा, कलेजी, गर्दन, पर्दन ये सब नहीं मंगवाई थी। तो ये पीसेस बचे हुए हैं चिकन के थोड़े से, और ये थोड़े से चावल पड़े हैं इधर, तो मैं इनको मिक्स करके इसमें ना चिकन बिरयानी बना के रख दूँगी, तो वो भी बच्चे खुश होकर खा लेंगे। गाइस ये देखिए ये मैंने बना दी है चिकन बिरयानी, जो चिकन बचा हुआ था उसकी प्याज और टमाटर दोनों डाल के चिकन के पीसेस डाल दिए, नमक डाल दिया थोड़ा सा, हल्की सी रेड चिली पाउडर, और बाकी जो चिकन का मसाला था वो ऐड कर दिया। तो ये बन गई चिकन बिरयानी, मेरे हस्बैंड के आने से पहले ही इनका खाना रात का रेडी हो गया, फाइनली टेंशन खत्म। गाइज ये देखिए पहले तो आप ब्रूनो को देख लो, क्योंकि ये भौ कर रहा है मेरे हस्बैंड को देखकर कि तुम कहाँ गए थे। तो ये लेकर आए हैं सरसों के तेल की बॉटल्स, माउथ वॉश, सॉस, और ये जो आपको दुकान खुली हुई दिख रही है ना बच्चों के लिए, जेली, चिकन नगेट्स, और ये क्या है साथ में, चिकन फिंगर्स और चिकन पॉपकॉर्न्स। सबसे पहले आप ये देखिए मेरे लिए जो आया है नींबू का खट्टा मीठा वाला अचार, बिकॉज आई लव अचार, आपको पता है। ये तो मैं अभी खोल के खाने लगी हूँ, मेरे तो बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है। ये है मैं माधुरी मैम का आम का अचार, ये है हरी मिर्च का अचार क्योंकि मैं बहुत चटोरी हूँ अचार की। ये मेरे लिए आया है मेलेडिक टॉफी, और मैं ही खाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। ये मेरे फेवरेट कोकोनट बिस्किट्स, ये मिल्क बिकीज, ये मैजिक क्रीम, ये आपको दिख रहे हैं चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स, बाकी स्टॉक कहाँ गया ये रहा। ये देखिए ये सारा इसमें ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स, मैगी, चिकन वाई वाई नूडल्स, और ये चॉको चिप बिस्किट, मतलब बिस्किट्स का और मैगी का स्टॉक इन्होंने पूरा भर दिया डब्बे के अंदर से, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सारा सामान ये अभी लेकर आए हैं जाकर बाज़ार से, और ये हमारी लग गई लॉटरी। तो पहले मैं ना ये नींबू का अचार खोलती हूँ और इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा फ्लेवर है।
गाइज ये देखिए आरब बार बार उसको बोल रहा है कि इशू आ गई और वो वहां खड़ा होकर भौंक रहा है। देखो इसको लग रहा है कि इशू आ गई। नहीं इशू नहीं आई, सैमी है ब्रूनो, आजा इधर, आजा आजा, अभी इशू नहीं आई, आजा बेटा आजा, आजा इधर आजा। दरवाजा खोलने की कोशिश चल रही है इसकी, नहीं खुलेगा देर से, आजा इधर, बकरी कहीं का खड़ा हो गया। गाइज ये मैंने आम का सॉरी नींबू का अचार खोल लिया, ऐसे ना हाथ से नहीं निकालते, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रही, आई एम लविंग इट। गाइस नींबू का अचार, आई एम श्योर खा मैं रही हूँ, आपके भी मुंह में पानी जरूर आएगा, तो आई लव इट। बाद में गाइस ये देखिए जेली का जो स्टॉक आया ना, मेरे हस्बैंड पीछे से मुझे चिढ़ा रहे हैं, घर की सबसे बड़ी बच्ची, यार ये चीज़ें अगर मुझे पसंद है तो उसमें बच्चे वाली तो कोई बात ही नहीं है। एंड आई लव दिस। मैं इसमें फ्लेवर चेक कर रही हूँ, गुआवा फ्लेवर और ये कौन सा कोला फ्लेवर, ओए होए, सो कोला और गुआवा दोनों ही हैं इसमें। कोला है, मैंने अभी देखी है, गुआवा नहीं, कोला, देखो रुको रुको, ये देखिए गाइस ये देखिए कोला फ्लेवर, ये रहा कोला, ये लेकर आए मेरे हस्बैंड, उनको पता ही नहीं इसमें कोला फ्लेवर भी है। सुनो गुआवा और कोला ये दोनों ही हैं। वो येलो कलर का भी निकला, ये कौन सा फ्लेवर है, मैंगो, वाओ। चलिए गाइज मैं अभी ज़रा बिजी हूँ खाने में। फाइनली अभी ये ब्लॉग पॉइंट करने का टाइम, और टाइम हो रहा है 12:30। आपको हमारी हालत देख के लग ही रहा होगा, देखो ज़रा कैसी हालत हुई पड़ी है, और लाइट बहुत डिम है क्योंकि ऑलमोस्ट बेटी और आरव दोनों सो गए हैं, तो हम लोग भी अभी भी डिनर करने लगे हैं, और डिनर में भरता बनाया था, भरता रोटी चल रही है, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहाँ पर। पहले खाना देखिए गाइज, ये देखिए भरता रोटी चल रही है, और इधर चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो बस अभी खा के ख़त्म किया सबने। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर आपके साथ एंड, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल में सेंड कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको टाटा गुड नाइट तो कह दी, बट मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर देना भूल गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हम हल्दी दूध पी रहे हैं लेकिन हमारी बोन्स की जो प्रॉब्लम है, मतलब घुटने में दर्द है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। हल्दी दूध इज़ वेरी गुड आई नो, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे हल्दी दूध से ज़्यादा फ़ायदा जो विमेन हॉर्लिक्स प्लस आता है उससे पीने से हुआ है। हल्दी दूध अपनी जगह ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हल्दी दूध में बहुत ताकत होती है, होती है, लेकिन शायद मुझे भी वो सूट नहीं किया। तो जब से मैंने विमेन हॉर्लिक्स प्लस लेना शुरू किया है, टच वुड, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं खुद प्रेफर करती हूँ जो विमेन 30+ एज में हैं, वो विमेन हॉर्लिक्स दिन में एक बार या दो बार, हो सके तो दो बार, वैसे मैं खुद भी एक ही बार पीती हूँ रात को सोने के टाइम पे, तो अगर आप लोग भी पॉसिबल हो तो एक टाइम सुबह नाश्ते में या दोपहर को या रात को कभी भी आप हल्दी दूध की जगह विमेन हॉर्लिक्स प्लस डाल के पीजिए दूध में। इट इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब वेरी गुड या एक्सेलेंट कह लीजिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। घुटने का दर्द, बैक पेन, मेरी बैक पेन कितनी सीवियर होती थी, मैं बेल्ट लगा लगा के काम करती थी, तो बहुत फ़र्क है, मतलब 90% तक बिल्कुल ठीक हो चुका है, टच वुड बाबा। तो ये प्रॉब्लम, हड्डियों की दर्द की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम तो किसी को होनी नहीं चाहिए, और हम जैसी भागा दौड़ करने वाली औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका क्वेरी का आंसर था जो मैं भूल गई थी बताना, तो कान पकड़ के सॉरी। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, बाय बाय।